हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? सो ये कंटिन्यूएशन है लास्ट व्लॉग का। हमने बहुत इन्जॉय करा इस पार्टी में, एंड मैक्लॉडगंज का लास्ट डे था। सुबह नाश्ता कर हमें निकलना था, बट निकलते ही हमने देखा इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था। सो इट वॉज़ लुकिंग सो ब्यूटिफुल। हमने सोचा ब्रेकफास्ट करके ना थोड़ा सा इन्जॉय करते बाहर निकल कर, एंड देखते कैसा मौसम हो रहा है। सब ऐसे अम्ब्रेला लेकर जा रहे थे। मेरा तो लाइक आई वाज फाइन, बट नव वाज लाइक कि मुझे और एंजॉय करना था मैक्लॉडगंज में। चलो दिल्ली चलो वापस। मन नहीं भरा। देखा, आई टोल्ड यू ना, ही वाज नॉट इवन हैप्पी कि हम ऐसे वी आर लीविंग मैक्लॉडगंज। ही वाज लाइक कि काश हम एक्सटेंड कर ले, एंड ही आस्क्ड कि ज्योति कर ले क्या, बट आई वाज लाइक कि रुक जाओ यार, रहने देते, लीव्स ख़त्म हो गए। सो येस वी वर डिपार्टिंग। हम धर्मशाला जा रहे थे, एंड रस्ते में हमने देखा इतना प्यारा सा रेनबो, एंड यू नो हम दिल्ली में रहते हैं तो इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होता है, थोड़ा फेडेड होता है, बट दिस वॉज सो क्रिस्टल क्लियर। सो वी वर सो अमेज्ड विथ दिस, एंड येस धर्मशाला जाने के लिए 20 to 30 मिनट्स लगते हैं, बट बीच बीच में रुकना पड़ता है बिकॉज ट्रैफिक वन वे होता है। सो वी वर जस्ट इन्जॉइंग द वे, एंड पहुँच कर हमने लाइव म्यूजिक इन्जॉय करा। उसी कॉम्प्लेक्स में एक छोटा सा एरिया था जो कि आप कह सकते हो बैल्कनी एरिया और टेरेस एरिया। सो सब वहाँ पर जाकर देख रहे थे बिकॉज इतना सुंदर व्यू था वहाँ का। सनसेट टाइम था, एंड दिस वाज द व्यू ओवर देयर। यू नो बस का टाइमिंग था 10:30, एंड हम पहुंच गए थे वहाँ पर कुछ 5:30 और 6 o'clock के आसपास। सो हमने सोचा थोड़ा सा टाइम पास कर लेते हैं, कैफ़े कॉफ़ी डे चले जाते हैं, एंड लेट्स इन्जॉय कॉफ़ी। ऑल दो दैट वॉज रियली अ बैड आइडिया बिकॉज उसके बाद मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, एंड दिस इज़ समथिंग विच आई डू विथ नव एवरी टाइम, एंड ही इज़ लाइक अरे यार एवरी टाइम इट टू एवरी टाइम। सो एंड छोटा सा हार्ट हमारा प्यारा सा, एंड बस यही सब करते करते हमने अपना टाइम पास करा, और टाइम हो गया था 9:30, एंड हमारी बस आ गई थी। हमने सोचा चलो अब यार बस में बैठ ही जाते हैं, लेट्स गो, ऑल सेट, घर चलना है। बहुत ही हैवी हार्ट के साथ नव ने बोला बाय बाय मैक्लॉडगंज, बट हम ज़रूर वापस आने वाले बिकॉज इट्स सच एन अमेजिंग प्लेस। मैंने नव का टी शर्ट डाल लिया था, एंड देन वी स्लेप्ट, और फिर हम दिल्ली पहुंच गए, एंड दिल्ली पहुंचते ही हम अपने छोटे से प्यारे से ओशो से मिले, एंड ही वाज लाइक वेयर वर यू यार, आई वाज सो बोर्ड, ऐसा फील हो रहा है देख कर इस वाले बूमरैंग को। एंड अगर आप लोगों ने पूरा व्लॉग देखा मैक्लॉडगंज का पूरी सीरीज, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आई हैव मेड अ प्ले लिस्ट, अगर आप लोगों ने कुछ भी मिस करा तो चेक इट आउट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दिया है। थैंक यू, बाय।